उधर रख दो, जल्दी करो जल्दी। ये क्या, ये शगुन का थाल अभी तक यहीं रखा हुआ है? मैंने रौनक से कहा भी था कि इसे लड़के वालों के यहाँ पहुंचाकर तिलक की रस्म पूरी करके आए, मगर ये रौनक, 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 मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी मिठाई वहां पहुंचानी है, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? आप ये शादी रोक दीजिए भाई साहब। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? टुकड़े करने बेटी के तो एक छुरी लेकर काट डालिए, लेकिन ऐसे टुकड़े मत करिए कि दिल कहीं रह जाए और जिस्म कहीं और चला जाए। रौनक, होश की बात कर। एक बाप के सर पर अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी के मायने क्या हैं? ये तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है। ये तो बहुत गलत बात कह दी आपने भाई साहब। अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि साहिबा मेरी बेटी नहीं है? एक बात कहूं मैं आपसे, जितना आपका खून दौड़ रहा है ना उसकी रगों में, उसे कहीं ज्यादा मेरा प्यार दौड़ रहा है। जब पहली बार मैंने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया था तो मुझे लगा अच्छा वो भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, नहीं तो शायद मैं अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर पाता। साहिबा मेरे सीने से लगकर बड़ी हुई है भाई साहब, जैसे पेड़ के सीने से लगकर बेल बढ़ती है। मैं उसके दिल के हर दर्द, हर धड़कन को समझता हूं, और आज उसका दिल सिसक सिसक कर धड़क रहा है और उसका दर्द मुझे यहां महसूस हो रहा है, यहां। अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये बारात वापस लौटा दीजिए भाई साहब, वापस लौटा दीजिए। मुझे जल्दी से याद दिला दे रौनक कि तू मेरा भाई है, वरना आज मैं तेरी लाश पर पांव रखकर साहिबा की झोली भेजूंगा। रोनी, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। बच्चीते जी, यही कुछ देखने को बाकी रह गया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मान इज्जत से साहिबा की डोली को रुखसत होने दो, फिर कर लेना मनमानी। बात क्या है रौनक पापा, आप मुझे मंदिर में क्यों लाए? मंदिर में इंसान किससे मिलने आता है, देवता से ही ना। क्या हो गया करण, तुम क्या गए? मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पता है मेरी शादी किसके साथ की जा रही है? रौनक पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी शादी किसी खूनी कातिल के साथ नहीं होगी। पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। देखो भाई साहब, ये शादी करके ही मानेंगे, इसलिए तुम्हारे सामने बस एक ही रास्ता है कि तुम साहिबा को लेकर भाग जाओ अभी इसी वक्त। पर भाग कर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जा सकते हो। भाग कर तो एक रिश्ता बना लेंगे रौनक पापा, लेकिन हमारे पीछे जितने भी रिश्ते टूट जाएंगे उनका क्या? मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है। सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने प्रेम की खातिर तुम्हें यह समझौता करना ही पड़ेगा। नहीं रौनक पापा, प्रेम की जिंदा अक्षर का गुणगान हर धर्म में पाया जाता है, हम इसे अपने स्वार्थ के लिए बदनाम नहीं करेंगे। रही बात समझौते की, तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है, या जीत होगी या हार, समझौता नहीं होगा। करण, वो है ना साहिबा जिसके दरबार में हम खड़े हैं, उसके होते हुए तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा, भरोसा रखो। बिना सहरे के तो तूने बहुत सी शादियां की हैं। ले आज ये सहरा भी पहन ले। ओए सहरे की लड़ियों को पास पास करो, कहीं से चेहरा ना दिखे, समझे? सहरा बदवाएगा तू, तुझे तो मैं फांसी का फंदा पहनाऊंगा।
मुझे तेरी जूठन कबूल करनी पड़ रही है सिर्फ उसकी दौलत की खातिर। और फिर उसने मुझे खून करते भी तो देख लिया था। बस मेरे बेटे के साथ फेरे हो जाएं तो साहिबा की जिंदगी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। हरामखोर, तेरे जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है। धोखेबाज, मैं तुझे तेरे पापों की सजा जरूर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है योगी, पहले विवाह तो हो जाए। तेरे ये नापाक इरादे मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा सिंघाल। बिल्कुल होंगे योगी, अब साहिबा हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक तुम्हारी जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बहू नहीं बनेगी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम बहू लेने आए हैं, उसे तो साथ लेकर ही जाएंगे। छोड़ दो मेरे डैड को वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। I said leave him! इस खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है, बस इतनी विनती है कि कोई जग हंसाई ना हो। ओ मुबारका जी, मुबारका, साहिबा की शादी की मुबारका। आई एम सॉरी योगी, अपनी बेटी की शादी में तुम खुद शामिल नहीं हो पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी हरगिज नहीं होगी। जिंदा रहोगे तब ना। अभी मैं विकी को वही समझा रहा था कि पीछे कभी कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। आज यहां कोई सबूत नहीं रहेगा। जैसे ही वहां लड़का और लड़की का गठबंधन होगा पहली बड़ी आतिशबाजी के धमाके के साथ मेरे लोग तुम्हारी मिल को आग लगा देंगे। जैसे वहां विधि आगे बढ़ती जाएगी यहां आग बढ़ती जाएगी। वहां पर अग्नि के गिर्द फेरे होंगे, यहां तुम दोनों के गिर्द अग्नि ही अग्नि होगी। चलो बेटे। बयान तो मैं दे दूंगा साहब, मगर कोर्ट के बाद मेरे को सीधा यही लाना साहब। मैं बाहर नहीं निकलूंगा साहब जब तक देवा पकड़ा नहीं जाता। मुझे यही रखना साहब। कोर्ट में देवा के खिलाफ तेरा बयान हो जाए बस, देवा जेल की सलाखों के पीछे होगा। चलो चलो पीछे हटो चलो। एक्सक्यूज मी सर, हम उस गवाह के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आप कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। क्या उसने पुलिस में यह बयान दे दिया है कि वो देवा के लिए काम करता है? वो किसके लिए काम करता है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। तो क्या पुलिस भी देवा के नाम से? सब पता चल जाएगा आपको, कोर्ट के फैसले के बाद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और फैसले में देर कितनी है? इस वक्त तो गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुलकर्णी कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट नहीं पहुंचे? नहीं सर। तो गए कहां? मुझे इस तरह यहां पर लाया गया, यह ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, यह देवा की अदालत है,
और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए, और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहा शुरू करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है।